हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं, एक टेस्ट लेने वाले हैं। ओके, श्रुतलेख, मैं आपको कुछ शब्द डिक्टेट करूंगी और वो आप लिखेंगे। ओके, विदाउट एनी हेल्प। हमने अभी तक दो वर्णों के, तीन वर्णों के, चार वर्णों के शब्द पढ़े हैं बिना मात्राओं वाले, और हमने हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, तो आप हिंदी की कॉपी में, नोटबुक में इस तरह से हेडिंग डाल लीजिए, श्रुतलेख। ओके, और यहाँ पे नंबर्स डाल लीजिए, लाइन छोड़नी है, एक लाइन लीव करनी है। यहाँ पे नंबर डाला वन, देन ये लाइन लीव कर दीजिए, फिर टू, ओके, इसके बाद थ्री, फिर लीव कर दीजिए फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, फिर आप एट, नाइन एंड टेन, ये आप यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब आपको मैम वो वर्ड डिक्टेट करेंगी और आप वो वर्ड लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट वर्ड लिखिए। ओके, ठीक है, इस तरह से नंबर आपने डाल लिए। अब फर्स्ट जो नंबर डाला है यहाँ पर, यहाँ पे सबसे पहले लिखिए उड़, उड़। जो मैं बोलूँगी वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, उड़। बाद में मैं आपको चेक भी करवाऊँगी, आप लोग उससे चेक कर सकते हैं। लिखिए फर्स्ट नंबर पे उड़। जो मैं बोलूँगी उसको बहुत केयरफुली सुनना है आपको। लिखिए उड़। ओके, सेकंड नंबर पे लिखिए कब। हमने हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस की थी ना, यस, कब लिखा। थर्ड नंबर पे लिखिए घर लिखा। फिर फोर्थ नंबर पे लिखिए बस। जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, और जो वर्ण मेरे मुंह से जिसकी आवाज निकल रही है भैया को लिखना है, ब स बस। ओके, फिफ्थ नंबर पे लिखिए कमल। लिखिए कमल। सिक्स नंबर पे लिखिए सड़क। सड़क लिखा। फिर लिखिए सेवन नंबर पे लिखिए नहर। लिखिए नहर, ठीक है। अब एट नंबर पे यहाँ पे लिखिए अदरक। दोबारा से सुनिए अदरक। ये चार वर्णों वाले शब्द हैं आपके। ओके, नाइन नंबर पे लिखिए थर्मस। लिखिए थर्मस। लिखा थर्मस। अब लास्ट लिखिए गर्दन। दोबारा से सुनिए गर्दन। इस श्रुतिलेख से स्टूडेंट्स आपको हर वर्ड को सुन के लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबने लिखा, चलिए अब चेक कीजिए। ओके, चलिए इस तरह से है, मैंने नंबर डाले हैं, लिखिए आप लोग। अगर आपका फर्स्ट लेटर सही है, बिल्कुल आपने ऐसे लिखा है, तो आप पेंसिल से छोटा सा राइट लगा दीजिए, और अगर आपने गलत लिखा है तो छोटा सा ऐसे क्रॉस लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, इसे इरेज कर देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपने लिखा है उड़ को टिक कर दीजिए, सही लिखा है। सेकेंड है कब, देन छोटा सा राइट लगा दीजिए। फिर लिखिए घर,
फिर टिक लगा दीजिए, फिर फोन नंबर पे ब स बस, सही है, राइट लगा दीजिए, क म ल, सही है, छोटा सा राइट लगा दीजिए, ओके। सिक्स नंबर पे स ड क, सड़क, छोटा सा राइट लगा दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। न ह र नहर, नहर पे भी छोटा सा राइट लगा दीजिए। फिर आइए एट नंबर वाले वर्ड पर, अ द र क, बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप छोटा सा राइट लगा दीजिए। फिर थ र म स, थर्मस, 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 बिल्कुल करेक्ट है, छोटा सा राइट लगा दीजिए पेंसिल से ही। टेन नंबर पे सबसे लास्ट शब्द क्या है, ग र द न, गर्दन, गर्दन पे भी टिक लगा दीजिए। तो मैंने 10 वर्ड्स का शुद्ध लेख लिया था डिक्टेशन, आपके 10 वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, तो 10 वर्ड्स सही है ना, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ओके, और जितने कम होंगे उतने कम मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे आप लोग बिना देखे जब शब्द लिखेंगे तो आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस होगी, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।